तुम्हारे ब्लैकमेल के सबूत इन टेप्स में है, इन गानों के टेप्स में। वो क्या ना, इमर्जिंग आर्टिस्ट को तो हमेशा स्ट्रगल करना ही पड़ता है। अब आंटी जैसा टैलेंट भी तो नहीं है ना मुझ में। खैर, उनके काम से मैं इंस्पिरेशन बहुत लेता हूँ। मौसम देख रहे हैं आप, खतरनाक है। तुम्हारे गले में भी प्रॉब्लम है, पेट में भी प्रॉब्लम है, सर दर्द का प्रॉब्लम है, ये पिंपल्स वगैरह निकलने, इतनी परेशानियां ना कि अगर हमको किसी कंट्री के बाहर ऐसे उठा के ले जाके गिरा दिया जाए ना, तो उस कंट्री का हेल्थ सिस्टम पूरा बिगड़ जाएगा। बारिश होना भी स्टार्ट हो गई है, ये बूंदे वगैरह भी पड़ने लगी हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, ज़ाकिर मदीम, यू आर वाचिंग मी ऑन चैनल आई एम खान, आई एम बैक अगेन विद अ ब्रांड न्यू व्लॉग। अरे फेक एनर्जी आपको अगर समझ में आ गई कि बहुत ज्यादा फेक है, तो इसका रीजन ये है कि मैं अंदर से खोखला हो चुका हूँ। मेरी हालत अंदर से खस्ता है, मगर फिर भी मैं व्लॉग कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने वादा और नहीं है दोनों किया हुआ था कि मैं संडे को व्लॉग करूंगा। मौसम ऐसा हो रहा है कि बारिश हो रही है, दो तीन दिन से मौसम बदला हुआ, उससे पहले इतनी तेज धूप थी कि आप चेहरे पे देख सकते हो उसका असर, बट अभी जो है थोड़ा मौसम अच्छा हुआ, बारिश वगैरह हो रही है। आज मेरा प्लान था कहीं बाहर जाने का, बट अगर ऐसा हालत रहेगा तो कुछ कर नहीं पाएंगे, घर में ही रहकर घरेलू व्लॉग बनाना पड़ेगा। कल तक तो इधर गाड़ी रखने की जगह पे पूरा पानी भरा हुआ था, आज तो थोड़ा सूख गया है, बट अभी भी फिलहाल यहाँ गाड़ी रखने लायक बचा नहीं, क्योंकि ये गीला हो चुका है पूरा जमीन, स्टैंड इसमें अंदर घुस जाएगा। हमने अपने वाहन को उधर लगा दिया था, वाहनों के बीच में, ये बेचारी रात भर गीली गीली हो चुकी है। मेरी और मेरे बाइक की हालत एकदम सेम टू सेम, बोथ ऑफ अस नीड अ वॉश वेरी बैडली। तो अभी हमारा नमाज पढ़ाई, कपड़ा भिगाई, दांत सफाई, ये सारे काम हो चुके हैं, और जो काम अभी बाकी है वो है नाश्ता कराई, उसके बाद फिर जाके बाल कटाई। अब इन कामों को हम धीरे धीरे कर लेंगे दोस्तों, क्योंकि हम जद्दोजहद करने वालों में से हैं, रुकने वालों में से नहीं। ये मौसम ने अपना मिजाज क्या बदला है, लोगों को इससे मोहब्बत हो गई होगी। हमें बिल्कुल नहीं हुई, हमें बारिश नहीं पसंद है, चिक चिक पिच पिच सब जगह कीचड़ कीचड़, थोड़ी बहुत धूप रहे, थोड़ी बहुत छांव रहे, थोड़े बहुत बादल, कभी कभार भीनी भीनी बारिश, दैट्स इट, नथिंग एक्सट्रीम। यार हम सोचे बाहर ना जाना पड़े, यहीं अपने हॉस्टल के बार्बर के पास आके बाल कटवा ले, मगर तो बंद है, धोखा। अभी मैं जा रहा हूँ हॉस्टल, उसके बाद मुझे जो कपड़े वगैरह धुलने वो धुलना, उसके बाद फिर क्लास का कुछ काम है वो करना है। मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, बट सोने का वक्त ही नहीं है। जब से मैं अलीगढ़ आया हूँ ना, तब से मेरा स्लीप शेड्यूल ऐसा बिगड़ा है कि मतलब मैं 24 घंटे में सिर्फ 5 या मैक्सिमम 6 घंटे सो पा रहा हूँ, और इसकी वजह से मेरी बॉडी ऐसा मेरा साथ छोड़ रही है ना कि मुझे लग रहा है कि कुछ ही दिन में मेरा वक्त आने ही वाला है। और आप लोग भी तैयारी करके बैठे रहे नमाज जनाजे में शिरकत की, आप सभी से दरख्वास्त है, जिंदगी में हमारे अलग से टेंशन, उसके बाद हमारी ऑडियंस जो है वो भी एक्सपेक्ट करती है। हमारे पोस्ट के नीचे कमेंट आते हैं, भाई दुनिया में इतना कुछ चल रहा है, तुम कैसे हंस खेल रहे हो, सब कोई कोई अपने जिंदगी में लगा हुआ परेशानी होगा। बाहर की चीजों पे मैं बहुत ज्यादा कमेंट नहीं करता हूँ, इसलिए क्योंकि मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं, कुछ गलत होता उस पर बोल देता हूँ, पॉलिटिकल एंगल से मैं नहीं देख सकता और उस पर मैं नहीं कमेंट कर सकता, मेरा उस मामले में मेरा जो नॉलेज है वो निल है, दैट्स इट। ये एंट्रेंस की पढ़ाई करते हुए मैं नाम भूल गया, आई फॉरगॉट अबाउट तुसे, मेरा नाम क्या था, हाँ तो दोस्तों मैं मतलब मैं बाल कटा के आया, फिर नहाया था, उसके बाद मैं सो गया, बाल कटा है। हाँ, मम्मी मेरी यही बोलती कैसा कटा है, छोटा छोटा कटवाए ना तो कम पैसे लगे, अभी फिर से वापस काट दिया हो गया। अरे बोलने तो मेरी आवाज नहीं जाएगी, तो मैं सो गया था, सोकर उठा, अभी मैं आया अपने दोस्तों के रूम पे, अभी ये लोग कुछ प्लान कर रहे बाहर जाके खाने का, मेरे पास पैसे नहीं है। YouTube तुम ही खिला दो भाई, कितना अच्छा बैकग्राउंड है भाई, यार रूम का देख रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है। द प्लान इज स्टिल ऑन ना, दैट वी आर गोइंग आउटसाइड टू हैव समथिंग, यू गोना ट्रीट अस विद गुड फूड लाइक चिकन मटन, मिभाज भाई विल ट्रीट अस, यू गोना ट्रीट अस विद गुड फूड, we are hungry man, we are hungry soul, that's world map, okay, I'm totally cool about it. Hey, my lover will fitting, you khiching Nivaj bhai had sources to great restaurants and we will go and eat there. hum log soch rahe hain hotel chale jate hain, iska photo khich ke le jate hain, kehte hain bhai minaj ke dost aapko khila do paisa ho de, fir hotel wala pucha kaun minaj, hum kahenge bhi aa raha hai haadi maajne, haadi bartan aapka sab maaj ke chaka chaka, hamare regional language mein haadi maajna bolte hain. ghamasan chal raha hai dosto, aap dekh sakte hain, ye dhyan se dekhiye hamare mitr ko, ye chuha kha raha tha, iska biscuit to hame le aaya khilane ke. अबे साले तीसरे महीने 2022 का एक्सपायर्ड है, नहीं मैन्युफैक्चर्ड है, हमको लगा एक्सपायर्ड है। एवरीथिंग इज डिसाइडेड, अभी हम लोग जा रहे बाहर खाने, चलो ना, तुम बुक क्यों पढ़ रहे हो, हेलो फ्रांड चाय पी लो, ये है आम जिंदगी, ये है मेंटोस जिंदगी। और फिक्र कीजिए आप लोग, बाइक एक्सचेंज हो चुकी है, अरे इसका ब्रेक नहीं लग रहा है भाई, गाड़ी एकदम पुराना है, जर्जर हालत में है, बस पावर इसमें बाकी है। ये नफिस। हाँ।
प्लान में चेंज हो गया, नफीस ने हमें नया जगह सजेस्ट कर दिया, अब हम उधर जा रहे हैं। चावी चावी ये क्या है? चिकन चंगेजी। चंगेज खान भी आ गया है। बहुत भूख लगा है। बिस्मिल्लाह। इसमें दो चार ढक्कन ज्यादा डाल सकते हो, मेरे में बहुत कम है। दो घूट मार के इसका कह रहा मेरे में कम है। चलिए जी गाइस, हम भ्रमण करने के लिए आए थे खाना खाने के बाद। मैं कह रहा हूँ कि ये मतलब खाली पड़ा, इसमें बना होना के मुझे अलॉटमेंट कर देना, मैं इसमें रह लूंगा। इन अल्लाह हम साबरी। कोई है फकीरो? भाग रहे हो मुझे छोड़ के? ओम फो, दिस इज अ वेरी गुड प्लेस। मजाज हॉल है, 6 रूम है इसमें। कैसा सुनसान वीरान जगह पे भाई ये हॉस्टल, सिर्फ 6 रूम्स हैं। देखो भाई मैं पहले क्लेरिफिकेशन देता हूँ अपनी ऑडियंस को, मैं बर्थडे उदे नहीं मनाता हूँ, टोटली अगेंस्ट। मैं मुफ्त का केक खाना है, बस 100% बात, हम खा के चले जाएंगे। हम इसको बर्थडे विश भी नहीं की। जियो तुम हजारों साल, इंग्लिश में यू लिव 1000 ईयर्स अगो, यू डाई 1000 ईयर्स आफ्टर, यू बिकम नेताजी इन फ्यूचर। ये सब काम कर रहे थे। मैं मौलवी नहीं हूँ, तो कुछ ज्यादा हदीस ना किसी के चेहरे पे लगना चाहिए। कुछ नहीं, नहीं नहीं। सालों बाद ये स्क्रिप्ट। सो गाइस अभी मैं आया था अदनान को असिस्ट करने, उसका मतलब वेब सीरीज के लिए ऑडिशन होने वाला, तो उसको हेल्प चाहिए था थोड़ा बहुत, तो हम आए उसका ऑडिशन रिकॉर्ड करने। पूरा जद्दोजहद कर रहा है। इधर से लेंगे तुम्हारा शॉट, तुम सामने बैठोगे। तो ये जनाब जो है डिटेक्टिव का रोल प्ले कर रहे हैं। ट्राइपॉड लगा दिया हमने, माइक चार ले लड़के, माइक लगा ले। ठीक, इसी फोन से इसका ऑडिशन रिकॉर्ड होना है, तो अब मैं व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। इसमें इतनी खतरनाक बीमारी का नाम लिखा हुआ है। हाँ मिस्टर गिल अल्जाइमर से सफर कर रहे हैं। सुमन यू आर अंडर ब्लैकमेल करने की। एक मिनट, यू आर तुम्हारे ही, सॉरी भूल गया। मिस्टर गिल अल्जाइमर से सफर कर रहे थे, वो भूलने लगे थे। यू आर अंडर अरेस्ट ब्लैकमेल करने के लिए। क्या? मैंने तो ब्लैकमेल नहीं किया। तुम्हारे ब्लैकमेल के सबूत इन टेप्स में है। इन गानों के टेप्स में? मिस्टर गिल अल्जाइमर से सफर कर रहे थे। मैं रटा रटाई लाइन से नहीं बोलूंगा, अपने हिसाब से बोलूंगा, तुम बस देखो क्या तुमको समझ में आ रहा है। बिस्मिल्लाह। सुमन, अबे मैं बोलूंगा। सुमन यू आर अंडर अरेस्ट ब्लैकमेल करने के लिए। मैंने कोई ब्लैकमेल नहीं किया। तुम्हारी सारी बातें इस टेप रिकॉर्डर में, गानों के टेप्स में। हाँ इन गानों के टेप्स में। मिस्टर भटुंडा को भटुंडा था कि गिल? मेरा दिमाग खराब कर दिया इस आदमी। मैं ढूंढ रहा हूँ, फोन नहीं उठा रहा है भाई साहब। फेफड़े में आ गई। पकड़िए। चला जा। मुझे लगता है मेरा एक कार्यक्रम जो है रात भर चलेगा, तो इससे ज्यादा लंबा मैं ब्लॉग खींच नहीं सकता। मिलते हैं नए ब्लॉग में, टिल देन टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम। वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। अभी मुझे और शॉट्स लेने हैं। तुम इकलौते लड़के हो खानदान, तुम्हें बिजनेस संभालना चाहिए। अंकल प्लीज, वन डे इट विल ऑल बी ओवर। प्लीज अंकल, आपको पता मुझे इंटरेस्ट नहीं है, आप पावनी से क्यों नहीं कहते? खैर वो अभी तो ऑफिस में जाके रील्स ही बनाएगी। बिजनेस हमारी पहचान है, और फिर तुम जानते हो। नॉट अ चांस। आप कम से कम मुझे आंटी की पेंटिंग देकर तो मत ब्राइब कीजिए। एक बार मेरी बात तो सुनो। लेट मी डू माय वर्क प्लीज अंकल।